So here it is, children. Chapter 1, continuing topic. This is, next topic is limitations of an accounting. First is, you can see this is accounting is not fully exact. Accounting is not fully exact means accounting is not fully that most transactions are recorded on the basis of evidence. Yet some estimates are also made or ascertaining profit or loss. सारी सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो एविडेंस के बेसिस पे होती हैं. अगर कोई सपोज करो कोई सोर्स ऑफ एविडेंस हमारा लॉस्ट हो जाता है तो इसका मतलब कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं है उसकी, है ना. तो अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट. सेकंड इज एग्जांपल्स, एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल दैट नॉट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. वो ये बोल रहा है, सपोज मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि यूजफुल लाइफ ऑन एसेट, भाई मैंने एक असेट परचेज करी और उसको मैंने हिस्टोरिकल कॉस्ट पर डाल दिया, और जैसे हमारी डाउटफुल डेट्स हम लोग लेते हैं, डेट्स आर नॉट फुली गुड, और क्लोजिंग स्टॉक की नेट रिलाइजेबल वैल्यू ले लेते हैं, ऑल्दो वो एट द एंड ऑफ द ईयर भी क्या हो रही होती है, सोल्ड आउट हो रही होती है. तो लेकिन हमें तो अकाउंटिंग ईयर एंड करना होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले से ही उसको अनसोल्ड स्टॉक में डाल देते हैं. नेक्स्ट इज अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन. अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन मीन्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मे नॉट बी रियलिस्टिक सिंस अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस. ये जो इन्फॉर्मेशन जो हम डालते हैं, मैंने आपको बताया अकाउंटिंग इज टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स एग्जेम्पशंस सब कुछ होते हैं. तो ये जो इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है रियलिस्टिक हो, क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर करते हैं हम क्या फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस. एग्जाम्पल अंडर द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन चैप्टर 3, फॉर अ फोरसीएबल फ्यूचर अकॉर्डिंग असेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन ओवर देयर यूज. मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको. सपोज मैं, हम लोग मानकर चलते हैं कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि बिजनेस हमारा अनफोर्सिएबल पीरियड चलना चाहिए. अनफोर्सिएबल पीरियड का मतलब होता है अनलिमिटेड लाइफ. हम क्यों चाहेंगे कि हम आज बिजनेस स्टार्ट करें और अगले साल खत्म हो जाए हमारा बिजनेस. तो हम कोई भी असेट भी लेते हैं दैट इज जस्ट फॉर यूज नॉट फॉर सेल. तो उस पर हम डेप्रिसिएशन जो लगाते हैं वो अपने तरीके से लगाते रहते हैं. कुछ चीजें होती हैं जो बिजनेसमैन अपने तरीके से करता है, तो दैट इज नॉट रियलिस्टिक ना. थर्ड इज अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स. इसका मतलब होता है अकाउंटिंग कन्फाइंड टू मॉनिटरी मैटर्स होती है. पूरा सारा का सारा वो क्या करता है, अपने क्वांटिटेटिव मैथड लेता है. जैसे कि हमारे क्वालिटी नहीं लेता. सपोज मैंने बोला कि मेरे को चेयर्स और डेस्क बनवाने हैं, ठीक है, तो चेयर्स और डेस्क जो हम बनाने हैं तो वो मैं बोल रही हूँ सैंडल या टीक के होने चाहिए. तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बोलता है कि आई टोटली इग्नोर दिस ऑल, कि आपके टीक के हैं या सैंडल के हैं कुछ नहीं. आई वॉन्ट ओनली द क्वान्टिटी. क्वान्टिटी का मतलब है कि कितने थे और उसकी कॉस्ट क्या थी. तो वो इग्नोर करता है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस. अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट. मनी इज अ मेजरमेंट यूनिट चेंजेस इन वैल्यू फ्रीक्वेंटली दैट इज इट डज नॉट रिमेन स्टेबल. ये हमेशा तो स्टेबल नहीं रहती है ना बेटा. आप हम वैल्यू करवा ही नहीं रहे हैं उसकी. अकाउंटिंग हाउएवर प्रिज्यूम्स दैट वैल्यू ऑफ मनी रिमेन स्टेबल अनलेस प्राइस लेवल चेंजेस आर कंसिडर्ड. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विल नॉट शो करेक्ट फाइनेंशियल रिजल्ट. अगर आपकी प्राइस लेवल चेंजेस को आप नहीं कंसिडर करते हो तो वो कैसे ट्रू एंड फेयर व्यू आपको दिखा देगा. पहले ये बताओ, कोई कह रहा है मैंने तो असेट खरीदी और उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखा, ठीक है, उसकी उस मशीन की वैल्यू बाहर क्या चल रही है हमें कोई मतलब नहीं है. तो बताओ ये फिर रियलिस्टिक थोड़ी ना हुआ, ठीक है. नेक्स्ट वो बोल रहा है मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग. विंडो ड्रेसिंग का मतलब मैं बताती हूँ. आप कहीं मॉल वगैरह में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, मॉल के कॉरिडोर्स में बस ऐसे ही निकलते चलते जाते हैं, है ना. ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, उसकी केवल प्राइस टैग्स देखते हो और फिर एकदम से क्या बोलते हो, नहीं मुझे तो नहीं लग रहा है ये इतने का, ठीक है, और निकल जाते हैं. तो इसको हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग. तो विंडो ड्रेसिंग का मेन मीनिंग होता है द टर्म विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशंस ऑफ अकाउंट्स इन अ वे सो एज टू कंसील वाइटल फैक्ट्स. ऐसा लग रहा होता है कि हाँ ये जो दिखा रहा है वो ही एक्चुअल है, जबकि वो एक्चुअल नहीं होता. इन दिस सिचुएशन इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस, फेल्स टू प्रोवाइड अ ट्रू एंड फेयर स्टेटमेंट.
fails to provide a true and fair view of the result of the operations. Even की balance sheet भी क्या करती है, true and fair view provide नहीं करती. तो दीज आर द लिमिटेशंस आई एक्सप्लेन यू और अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन मच मोर इन योर सेशन. नाउ चिल्ड्रन नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. हमारी ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हम बनाते हैं, पूरी रिपोर्ट्स जो हम बनाते हैं, ठीक है, तो उनकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, उनके क्वालिटेटिव फीचर्स क्या होने चाहिए. सबसे पहले होना चाहिए रिलायबिलिटी. रिलायबल होना चाहिए. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल. रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन मीन्स इट इज वेरीफिएबल, फ्री फ्रॉम बायस एंड मटीरियल एरर. जितनी भी, यानी रिलायबल का मतलब होता है जो भी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए. मतलब रिलायबल का मतलब क्या हुआ कि मैं क्यों लेना चाहती हूँ इसको, क्योंकि ये मेरे लिए रिलायबल है, एविडेंस है ये हमारे लिए. तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हमारी रिलायबल होनी चाहिए. नेक्स्ट इज रेलिवेंस. रेलिवेंस का मतलब होता है आपका, दो तरीके से हम कह सकते हैं बेटा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट टू द यूजर. जो भी यूजर इसको यूज करना चाहता है तो वो रेलिवेंट हो. रेलिवेंट का मतलब होता है इमीडिएट, मीट सून. तो इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट इफ इट मीट्स द नीड्स ऑफ द यूजर्स इन डिसीजन मेकिंग. जब ये यूज में आए इसके, कि जब उसको डिसीजन मेकर को चाहिए, कि हाँ जब यूजर को चाहिए और इमीडिएट आपको क्या मिल जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाए. लेकिन अगर जब समय पर हमें ये नहीं मिलता है, ठीक है, तो हमें इसका कोई यूज नहीं है. तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में हमारी ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. पहला हमें, मैंने बताया रिलायबिलिटी, रिलायबल होना चाहिए, बिल्कुल ट्रू एंड फेयर. रेलिवेंस का मतलब है इफ इट नीड्स, तो हमें ये यूजर्स को डिसीजन मेकिंग के लिए इमीडिएट इसको मिलना चाहिए. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी. अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है इसको समझ आना चाहिए. अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर दैट द यूजर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड. इतना प्रेजेंटेबल होना चाहिए, इतना क्लियर और क्रिस्टल होना चाहिए कि जब भी इसको यूज करें हमें एकदम साफ दिखाई दे. ऐसे नहीं कि जिसने बनाया है भैया उससे पूछना पड़ेगा कि ये क्या है वो क्या है. अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है कि बिल्कुल मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर दैट द यूजर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड. लास्ट इज कंपेरेबिलिटी. कंपेरेबिलिटी मीन्स दैट द यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नोन एज इंटरा फर्म कंपेरिजन और विद द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अदर इंटरप्राइज नोन एज इंटर फर्म कंपेरिजन. दो तरह से आप कंपेरिजन करते हैं बेटा इसका. एक तो होता है ये इंट्रा और एक होता है ये इंटर. इंट्रा का मतलब होता है एक ही सेम फॉर्म में ईयर्स वाइज, यानी कि आपने 2018 का 19 से कंपैरिजन किया. और इंटर फॉर्म का मतलब होता है एबीसी लिमिटेड का एक्स वाई जेड लिमिटेड से कंपैरिजन, ठीक है, बट बोथ आर इन द सेम इंडस्ट्री. बिल्कुल, तब आप कंपेयर. तो ये चार आपके क्या हुए, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, understandability and comparability. So children, our next topic is users of accounting information. First you have to understand why we need this users, why we need these users. I can say you these ka matlab hai so many users are there for these अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. जो हमने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, देखो मैं बार बार बता रही हूँ आपको, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड ऑल द थिंग्स. ऑल द थिंग्स मीन्स रिपोर्ट्स बाय ऑल द ऑडिटर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड ऑल. सेकेंड थिंग, योर इन्फॉर्मेशन मीन्स योर ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट, फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट वी आर गेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट. Then profit and loss account, net profit, and then balance sheet. Balance sheet means our financial position, okay? और income statement बार बार बोलते हैं तो income statement का मतलब होता है profit and loss. तो ये सब चीजें हमारे users को क्यों चाहिए, पहले ये बताओ, ठीक है? तो हमारे, पहले तो ये बताइए, we have two types of users, internal users and external users, ठीक है? Internal users में देखो, internal का मतलब होता है enterprises के अंदर. तो अंदर का मतलब क्या हुआ, हमारे ओनर्स हैं और मैनेजमेंट है. जो ओनर्स का मतलब जिन्होंने पैसा लगाया है,
और मैनेजमेंट का मतलब होता है कमेटी हमारी, जो पूरी बीओडी है, या हमारे जो भी कमेटी में हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो जो हमारे फोरकास्टिंग करते हैं, जो हमारे डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को क्या जरूरत है, सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगी। ओनर्स की क्या जरूरत है, तो क्या इंटरेस्ट एरियाज हैं कि ओनर्स को हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्या जरूरत होती है। तो ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल इन द बिजनेस एंड एज सच वॉन्ट टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। बट ऑब्वियस बेटा, अगर आप भी हैं, इफ यू आर अ बिजनेस मैन एंड यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड द कैपिटल और यू हैव इन्वेस्टेड एनी वेयर योर मनी, तो यू वॉन्ट टू नो ना कि उसकी साउंडनेस क्या है, क्या मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, क्या मेरे को रिटर्न इनकम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो वेदर द प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ओनर्स हमेशा ये चाहते होते हैं ना कि ये बताओ बिजनेस में हमारा बिजनेस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, प्रॉफिट ले रहा है या लॉस ले रहा है, और अगर प्रॉफिट ले भी रहा है तो कितना ले रहा है। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉफिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड फ्लोटिंग एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ऑल सच इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग टू यूजर्स, ठीक है। यूजर्स ऑल दो बेटा क्या होते हैं, देखो ओनर्स जो होते हैं वो केवल कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और इधर उधर रहते हैं, ठीक है। बिजनेस के लिए जो उनकी उनकी कंपनी होती है वो मैनेजमेंट संभाल रहा होता है, बट इसके बावजूद ओनर्स को बहुत सारी चीजें अपने माइंड में रखनी पड़ती है, ठीक है। तो यही मैं आपको बोल रही हूँ ना, बिजनेस तो होता तो ओनर का ही है ना, ये तो हायर करते हैं ना हम, भाई ये क्या होते हैं, ये कंटिन्यू थोड़ी ना होते हैं। इनकी जगह पे अब हम मैनेजमेंट को हम क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट को हटाकर हम दूसरा मैनेजमेंट रखते हैं। तो जो करता होते हैं वो तो हमारे कौन होते हैं, ओनर्स। नेक्स्ट मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट आप बताइए, मैनेजमेंट को हायर किया हुआ है हमने काम करने के लिए। मैनेजमेंट नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द एफिशियंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। द नीड्स आर मेट बाय द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय published reports of the enterprises such as, अब उनको कहाँ से मिलती हैं reports, वो management बोलते हैं हम तो किस पर depend करते हैं, हम depend करते हैं वो जो printed हमारे पास जो profit and loss account आता है और जो balance sheet आती है उसी को ही देख कर हम forecasting करना शुरू कर देते हैं। तो most of the needs of management are met by these reports, ठीक है। अच्छा, उसका करना क्या है, अब इनको ये बनाते हैं these informations related to the cost of a product, पहले तो product की cost देखते हैं, फिर स्पीड देखते हैं इंक्रीजिंग इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं प्रोडक्ट की, रीजंस फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट, भाई सेल में हमारा या प्रॉफिट में इंक्रीज और डिक्रीज किस तरह से हो रहा है। एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर सेल्स एंड प्रॉफिट्स, मैनेजमेंट हैज डायरेक्ट एक्सेस टू दीज अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स व्हिच कंटेन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल टू एक्सटर्नल यूजर्स। वो ये बोलता है हमारी मैनेजमेंट को फोरकास्ट करने के लिए, अपना एजेंडा बनाने के लिए ये सारे के सारे हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, मैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में आपको लिख देती हूँ कि होता क्या क्या है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में हमारा इनकम स्टेटमेंट होता है, ओके। और इनकम स्टेटमेंट कहते हैं किसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, जो तुम्हें क्या बताता है, या तो प्रॉफिट या लॉस, और एक होता है फाइनेंशियल पोजिशन। फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स सेकेंड नेम ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट, जिसमें आपको क्या बताता है वो असेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की। ये तो इंटरनल यूजर्स थे दोनों, इनका तो काम हो गया। एक्सटर्नल यूजर्स में सबसे पहले आप आइए शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स पे। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स क्या होते हैं, दे वॉन्ट इन्फॉर्मेशन। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स में बता दूँ आपको नॉर्मली क्या होते हैं, मैंने जो मैं बिजनेस हूँ, ठीक है, मैंने परचेज किया रॉ मटेरियल, मैंने उधार पे परचेज किया, उधार का मतलब है मैंने कैश नहीं दिया, मैंने बोला मैं आपको बाद में दे दूंगा पैसे, तो जिससे मैंने लिया वो हमारे लिए क्या हो गए, वो सप्लायर थे हमारे, तो सप्लायर को हम कहते हैं क्रेडिटर, जो पैसा लेता है, ठीक है, जिसको पैसा हमसे लेना है वो होते हैं क्रेडिटर्स। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स क्यों चाहिए उसको इन्फॉर्मेशन, उसको इसलिए चाहिए क्या मेरा पैसा वापस मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, वो भी तो क्या होना चाहिए, वो भी तो श्योर होना चाहिए ना कि भाई इसको इतना प्रॉफिट हो रहा है या उसके पास इतना पैसा है कि मेरे को पैसा मिल जाएगा। अब ये तो बात तुम्हारे शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स की है, जो हमने परचेजेस की हैं ऑन क्रेडिट। ये हमारे लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हैं। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स कौन हुए, सपोज करो मैंने लोन लिया है, इससे बैंक से लिया है, या मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, तो ये जो बैंक्स हैं और जो
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, दे आल्सो वांट टू इंश्योर कि हमारे को हमारा रिटर्न पैसा मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। वो जो बताएगा ये तो इसकी साउंडनेस बताएगी ना, हमारे इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन ये तो बताती है बेटा कि हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, मतलब जिसको मैंने पैसा दिया है मैं उसका हर चीज का ध्यान रखता हूँ कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्या आपको लॉस तो नहीं हो रहा, आपकी असेट्स कितनी है। सपोज मेरे को अगर मेरा लोन नहीं मिलेगा मैं तो तुम्हारे बिजनेस की मशीन उठा लूंगा या मैं तो कुछ और कर लूंगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स और लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स का केस करता हूँ। थर्ड इज पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। हु आर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मीन्स दे इन्फॉर्मेशन, दे नीड इन्फॉर्मेशन टू जज हाउ सेफ एंड रिवॉर्डिंग द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट विल बी। पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब होता है द पर्सन हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट देयर मनी इनटू द बिजनेस। इन लोगों ने तो कर ही चुके हैं, ये लोग तो कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट, ये करना चाहते हैं, तो ये तब करेंगे जब इनको बिजनेस की साउंडनेस पता लगेगी कि हाँ अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है और बिजनेस में प्रॉफिट भी अच्छा मिलता है। जब देखो बेटा प्रॉफिट अच्छा मिलेगा तभी तो रिटर्न इनकम अच्छी मिलती है और वो स्टेबल रहती है। भाई अगर मैं तो ये बोलूँ बिजनेस में, भाई मेरे को तो देख लो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो मैं कैसे दूं तुम्हारा रिटर्न इनकम, है ना। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर कह रहे हैं कि हम बिजनेस में तभी पैसा लगाएंगे जब तुम्हारी साउंडनेस पता लगेगी। फोर्थ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज आर नॉट लेस। एम्प्लॉयज क्या देखते हैं? अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो हमें क्या मिलना चाहिए? बोनस मिलना चाहिए, हमें इंसेंटिव्स मिलना चाहिए, हमारी सैलरीज इंक्रीमेंट होनी चाहिए, है ना। तो उनको भी कैसे पता लगेगा कि बिजनेस अगर प्रॉफिट ले रहा है तो और लॉस ले रहा है तो, ठीक है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट एरिया होता है ये बताइए। गवर्नमेंट क्या चाहती होती है? गवर्नमेंट हमेशा ये चाहती होती है गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज नीड इंफॉर्मेशन टू फॉर्म पॉलिसीज रिलेटिंग टू टैक्सेशन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडीज। तो सब्सिडीज वो उनको देती है जो थिन यूनिट्स होती है, जो टायर्ड यूनिट जो होती है ना, जो एकदम वीक यूनिट होती है, तो उनको वो देना चाहती है सब्सिडीज। तो अगर प्रॉफिट अच्छा होता है तो कोई मतलब ही नहीं है, और गवर्नमेंट टैक्सेशन का हिसाब पहले से लगा कर रखती है। सपोज करो अगर हमने देख लिया कि फलाने एबीसी लिमिटेड की सेल इतनी है, ठीक है, और एक्स वाई जेड की इतनी है, इतने की इतनी है, इतने की, तो वो क्या बना कर रखती है? अपना सेल्स और फिर उस पर टैक्स, ठीक है ना। तो वो गवर्नमेंट और उनकी एजेंसी का काम होता है। टैक्स अथॉरिटी क्या कहती है कि क्या मुझे इतना टैक्स मिल गया या नहीं मिला, कि टैक्स लोग पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसे गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटीज को आप एक पॉइंट भी बना सकते हैं। गवर्नमेंट को हिसाब किताब रखना होता है सेल्स का, और फिर टैक्स अथॉरिटीज को उस सेल्स पे कितना टैक्स बन रहा है वो पूरा, ठीक है। पब्लिक, पब्लिक क्या चाहती है मैं आपको बताती हूँ। एज एंटरप्राइजेस अफेक्ट्स द पब्लिक इन अ वैरायटी ऑफ वेज सच एज अ प्रोवाइडर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अमेनिटीज इन द लोकेलिटी एंड बींग द कस्टमर टू लोकल सप्लायर्स। तो तीन लोग आए बेटा पब्लिक में, एक तो आए आपके, हम यहाँ से रिक्रूटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक में से ही क्या निकल कर आते हैं, रिक्रूटमेंट्स। भाई सपोज करो हम भी हैं अगर, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, अरे ये कंपनी तो बहुत अच्छी है। हम कंपनी को कैसे अच्छा कहते हैं, उसकी गुडविल से अच्छा कहते हैं, और गुडविल कैसे बनती है उसके प्रॉफिट वगैरह से, है ना। हम कहते हैं नहीं सेल बहुत अच्छी हो रही है इस कंपनी की, अच्छी कंपनी है, तो चलो ट्राई कर लेते हैं इसमें अपना, हम क्या डाल देते हैं, बायोडाटा डाल देते हैं, ठीक है। तो हम पब्लिक में से ही हमारे क्या निकल कर आते हैं, एम्प्लॉयज निकल कर आते हैं कि अगर कंपनी अच्छी है, फर्म अच्छी है, एंड दे आर गिविंग वेरी गुड अमेनिटीज टू द लोकेलिटी एंड, और कस्टमर हमारे इसी में से पब्लिक में से निकल कर आते हैं। तो कस्टमर का मतलब क्या है, सप्लाई रेगुलर होनी चाहिए, फेयर प्राइसेस होने चाहिए, ठीक है, और उनकी इंटरेस्ट की चीज़ें बननी चाहिए। तो पब्लिक में से ही हमारे एम्प्लॉयज भी निकल कर आते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, एंड द कस्टमर, फाइनल कस्टमर। कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं? कॉम्पिटिटर्स होते हैं, मैंने आपको बताया एबीसी लिमिटेड, एक्स वाई जेड लिमिटेड, दोनों की इंडस्ट्री सेम है। कंपैरिजन हुआ, कंपैरिजन में अब उसने क्या कहा, कॉम्पिटिटर ने एबीसी की पॉलिसीज देखो कैसी है, क्यों इतनी उसकी सेल होती है या प्रॉफिट क्यों ज्यादा होता है, तो वो उनके रिपोर्ट्स पढ़ता है सर कि ठीक है अब आगे से हम भी इस टाइप की पॉलिसीज को लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपके यूजर्स थे सारे, जिसमें इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स निकल कर आए। इनमें क्वेश्चंस आपको कैसे आ सकते हैं कि एक्सप्लेन एनी
two types of external users या explain two types of internal users या external users के interest area बताइए, ठीक है। तो long question में भी आ सकते हैं, short question में भी आ सकते हैं, एक number के question में भी आ सकता है। ये पूरा users बहुत important है बेटा, अच्छे से इसको go through करना books में से, ठीक है। link अगर मिल जाएगा तो link ले लीजिएगा, right। Now children, we are coming our next last, I can say this is last topic. These three terms, I intentionally put this topic at the last because these three topics are very very important. Bookkeeping, accounting and accountancy. Accounting, at the starting, at the beginning of the chapter, I explain you what is accounting. Bookkeeping is a new word for you and accountancy is also, although it is a name of the subject, but you don't know what is the definition of accountancy. So I'll tell you first of all what is bookkeeping. Bookkeeping ko maine aapko bataya tha accounting ki first stage. This is your first stage. Aur accounting bataya hai maine last stage. Last stage keh sakte hain ya first or second stage. अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अकाउंटेंसी क्या होती है। इट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स टू ऑब्जर्व व्हाइल रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। इट इज मच वाइडर इन स्कोप एंड इंक्लूड्स बुककीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी में देखो बेटा बुककीपिंग, अच्छा अब मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता दूँ, बुककीपिंग होती है तुम्हारी जो हम शुरुआत की चीजें करते हैं। फर्स्ट स्टेज क्या होती है हमारी, रिकॉर्डिंग करना, ठीक है, फिर क्लासिफाई करना है ना, समराइज करना, ये सारी चीजें आपकी, ये जो थी आपकी पूरी, ठीक है। ये किसकी थी, ये किसका काम था, बुककीपिंग का काम था, ठीक है। बल्कि आप ये भी हटा दो, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग यानी कि जर्नल एंट्री करना और लेजर पोस्टिंग करना, ये बुककीपिंग का काम होता है। बुककीपिंग का काम करते हैं क्लर्क्स, जो क्लर्क होते हैं ना, क्लर्क आप 10+2 के बाद भी बन सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं क्लास 11 12th में, आपने अकाउंट्स बहुत अच्छी की है, तो यू कैन बिकम ए क्लर्क, ठीक है, एंड यू कैन डू दिस बुककीपिंग, ठीक है, इन एनी ऑफ द फॉर्म। अकाउंटिंग का मतलब होता है समराइज करना उसको, ठीक है, समराइज करना, और फिर उसको हम क्या करना, उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना, ये तीन जो काम आते हैं वो अकाउंटिंग के काम आते हैं। और अकाउंटिंग जो होती है वो सेकेंड स्टेज होती है। अकाउंटिंग स्टार्ट्स व्हेन बुककीपिंग एंड्स, ये जब एंड होती है तो ये स्टार्ट होती है। अब अकाउंटेंसी में मैं बता रही हूँ ये दोनों चीजें, मतलब बुककीपिंग प्लस अकाउंटिंग, इन दोनों का मिक्सचर जो होता है वो अकाउंटेंसी होती है। इट डिपेंड्स बोथ ऑन बुककीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये जो डिपेंड करती है वो बुककीपिंग और अकाउंटिंग दोनों पे डिपेंड करती है। इट इंक्लूड्स द डिसीजन मेकिंग फंक्शन आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बुककीपिंग। एक्चुअली अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग करते कैसे हैं, उस प्रोसीजर को, उस स्टडी को हम अकाउंटेंसी कहते हैं। स्टडी ऑफ डूइंग अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग इज नोन एज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं ना, और उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, हाउ टू डू अकाउंटिंग, हाउ टू डू बुक कीपिंग, तो इन दोनों की स्टडी को हम अकाउंटेंसी कहते हैं। अब मैं वापस इधर आ रही हूँ, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज है, इसमें ये दो चीजें होती हैं, इसमें ये तीन चीजें होती हैं। फिर इसको कौन करता था, क्लर्क करते थे, इसको सीनियर स्टाफ करता था, ठीक है। ये रूटीन जॉब होती है आपकी बेटा, रूटीन जॉब का मतलब होता है कि वही जर्नल एंट्री धक्का पेल करते जाओ, डेट वाइज वही सेम जर्नल एंट्री करते हैं। लेकिन अकाउंटेंट्स जो होते हैं, हमारे सीनियर अकाउंटेंट्स जो होते हैं, वो आपका, उनका जो वर्क होता है बेटा वो होता है थोड़ा सा एनालिटिकल, ठीक है, और डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है, एनालिटिकल और डायनामिक का मतलब होता है कि उस काम को तोड़ मरोड़ कर किस तरह से सुधारा जाए। मैंने आपको विंडो ड्रेसिंग बताई थी,
एक्चुअली प्रॉफिट वो नहीं होते जो हम शो करते हैं, या जब हमें शो नहीं करने होते प्रॉफिट तो अपने प्रॉफिट्स को हटाते हैं। तो ये वाला जो काम करता है वो ये करता है, अकाउंटिंग प्रोसेस, जो सीनियर अकाउंटेंट्स होते हैं, ठीक है। ये जूनियर स्टाफ करता है, ये सीनियर स्टाफ करता है, ये रूटीन जॉब होती है हमारी, और ये क्या होते हैं, एनालिटिकल एंड डायनामिक जॉब होते हैं। इसमें हमारे को नॉर्मल कोई स्किल की जरूरत नहीं होती, नॉट रिक्वायर्ड एनी स्किल, ठीक है। इसमें हमें स्किल्स की जरूरत होती है, रिक्वायर्ड टू पोजेस एनालिटिकल स्किल्स, इसमें हमें एनालिटिकल स्किल्स चाहिए। तो ये आपका बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, मैं दोबारा बोल रही हूँ, बुक कीपिंग में हमारी फर्स्ट स्टेजेस आती है जब जर्नल और लेजर होता है, उसके बाद जब हमें बनानी होती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरी की पूरी, तो ये अकाउंटिंग में आती है। अकाउंटिंग इज वाइडर टर्म देन बुक कीपिंग, ये फर्स्ट स्टेज होती है, ये सेकेंड स्टेज होती है, ठीक है। फिर जहाँ पर ये एंड होती है वहाँ पर ये स्टार्ट होता है, इसमें जूनियर स्टाफ होता है या सीनियर स्टाफ होता है, या रूटीन जॉब होती है या एनालिटिकल एंड डायनेमिक जॉब होती है। यहाँ पर किसी टाइप की स्किल की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर एनालिटिकल स्किल्स की जरूरत होती है, और इन दोनों के मिक्सचर को हम अकाउंटेंसी कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये तीन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंस आ सकता है किसी में भी।